हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जो हमारी गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है उसमें जो लाइट शो होती हैं उनका क्या मतलब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है हमारी गाड़ी का आरपीएम मीटर होता है, जिसे हम टैकोमीटर भी कहते हैं, और इसके नीचे ये जो लाइट शो हो रही है ये हमारी सीट बेल्ट को शो करती है कि हमने अपनी सीट बेल्ट लगाई हुई है या नहीं। जब तक हम अपनी गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तब तक ये गाड़ी, ये लाइट जो है ये इसमें ये हमें शो होती रहेगी। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जैसे कि ये देखिए, जैसे ही मैंने अपनी सीट बेल्ट लगाई तो ये लाइट दिखना बंद हो गई, और जैसे ही मैं इसे निकालता हूँ तो ये देखिए वापस शो होगी। ये हमारी सीट बेल्ट को इंडिकेट करती है। ये हमारा स्पीडोमीटर होता है, और इसके नीचे ये हमारे फ्यूल टैंक का सिंबल होता है, जो हमारे ये इसके बराबर में ये जो त्रिकोण का निशान दिखाई दे रहा है ये शो करता है कि हमारी गाड़ी में कि फ्यूल टैंक किस तरफ लोकेट है या उसकी पोजीशन को बताता है। जैसे कि ये ऑल्टो गाड़ी है, इसमें ये बता रहा है कि इस गाड़ी का फ्यूल टैंक लेफ़्ट साइड में है। तो और ये जो डॉट है ये हमारे पेट्रोल के लेवल को शो करता है। इसमें कुल 10 डॉट्स होते हैं और इसमें 35 लीटर का पेट्रोल टैंक है। और ये जो स्टिक है, ये जो दिख रही है आपको, इससे हम अपनी गाड़ी की ट्रिप मीटर, किलोमीटर और टाइम सेट कर सकते हैं। अगर हम इसे दबा के रखेंगे तो ये ऐसे बिलिंग करेगा जिससे हम अपनी गाड़ी का टाइम सेट कर सकते हैं दबा के इसको, और फिर जितना टाइम सेट करना हो उसे उस पर छोड़ दीजिए, फिर ये नेक्स्ट उस पर आएगा कि आपको कितने बजे का टाइम सेट करना है, फिर उस पर करके छोड़ दीजिए, फिर ये अपने आप टाइम सेट हो जाएगा। और ये हमारे किलोमीटर दिखाया है, यानी कि ये गाड़ी 11,655 किलोमीटर चल चुकी है। ये हमारा ट्रिप मीटर होता है, और ये हमारी ट्रिप बी होता है। इसके ऊपर जो ए बी और ए का जो निशान आएगा ये देखना अभी आप, ये ए दिखा रहा है इसके ऊपर और फिर बी आ रहा है, तो ये हमारा ट्रिप मीटर होता है। अब आते हैं हम वार्निंग लाइट्स की तरफ। तो ये जो है हमारी वार्निंग लाइट्स होती हैं जो कि शो करती हैं, ये सबसे ऊपर जो गोल दिख रहा है और इस पे जो चिन्ह दिख रहा है ये शो करता है हमारी हैंड ब्रेक को और पार्किंग ब्रेक को। जैसे कि अभी इस गाड़ी में हैंड ब्रेक लगी हुई है तो ये इसीलिए ये लाइट शो हो रही है। देखिए जैसे ही मैं हैंड ब्रेक को खोलता हूँ तो ये लाइट बंद हो जाती है, और जैसे ही खींचता हूँ तो ये वापस शो होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारी हैंड ब्रेक की लाइट होती है। और ये जो होता है ये येलो कलर में जो लाइट है ये गाड़ी की मेन लाइट होती है, इसे हम इंजन माल फंक्शन लाइट भी कहते हैं, जो हमारे ECM से कनेक्ट होती है। जितने भी हमारी गाड़ी में जो सेंसर होते हैं ये अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो ये लाइट उसको शो करेगी। ये गाड़ी में तभी शो होगी जब किसी भी गाड़ी के किसी भी सेंसर में प्रॉब्लम आती है। तो जब भी ये गाड़ी में आपकी लाइट शो हो तो तुरंत ही अपनी गाड़ी को मैकेनिक के पास चेक करवाएं या सर्विस स्टेशन ले जाएं। जैसे कि अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो ये देखिए ये लाइट दिखना बंद हो गई, तो इसका मतलब इस गाड़ी में कोई परेशानी नहीं है। और जैसे ही मैं वापस ऑन करता हूँ तो ये गाड़ी में शो होगी। ये लाइट स्टार्ट होने पे शो नहीं होनी चाहिए बस, नहीं तो आपके किसी गाड़ी में प्रॉब्लम है। इसके नीचे जो ये रेड कलर में बैटरी जैसा सिंबल है ये हमारी गाड़ी की बैटरी की कंडीशन को शो करता है, जो बताता है कि हमारी गाड़ी की जो है बैटरी है उसकी कंडीशन क्या है, वो डिस्चार्ज तो नहीं है या वो रिचार्ज हो रही है प्रॉपरली, उस चीज़ को शो करेगा। अगर कुछ भी बैटरी में प्रॉब्लम होती है तो ये लाइट हमारी शो होनी शुरू हो जाएगी। और ये जो होती है ये तेल की कुप्पी जैसा जो निशान आ रहा है ये हमारी इंजन के ऑयल लेवल को शो करती है कि हमारी गाड़ी में इंजन ऑयल है उसका लेवल प्रॉपर है या नहीं। अगर कम है तो ये लाइट शो होगी,
और ये जो गाड़ी के साथ जो लॉक दिख रहा है आपको, ये शो करता है कि गाड़ी, ये गाड़ी के इमोबिलाइजर सिस्टम को शो करता है, जो कि इसके चाबी में होता है। और ये जो स्टेयरिंग के साथ आपको साइन दिख रहा है, ये बताता है कि इस गाड़ी के अंदर पावर स्टेयरिंग है। और एक लाइट, जैसे मैंने अभी गाड़ी की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को बंद करा, तो जैसे ही मैं एक इसे चाबी को ऑन करूँगा तो इसके अंदर एक लाइट शो होगी। देखना, ये जो लाइट शो होती है ये कुछ देर के लिए, ये जो बैटरी के नीचे देखना आप, ये देखना बैटरी के नीचे, ये जो है इंजन के टेम्परेचर को शो करती है कि हमारा इंजन का टेम्परेचर कितना है। अगर इंजन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये लाइट शो होगी, यानी हमारा इंजन हीटिंग कंडीशन में है। और ऐसे ही एक लाइट और शो होती है, इसके अंदर देखना आप, ये जो गोल और तीन तिकोने से दिखेंगे एफ के बराबर में, ये देखना आप, ये देखिए, ये जो बीच में जो गोला है ये शो करता है कि जब हमारी गाड़ी रोड पर चल रही है तो ये बताता है कि हमारी गाड़ी आइडल कंडीशन में है, यानी कि गियर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, आइडियल कंडीशन में चल रही है। और जैसे ही ये इसके ऊपर वाले जो डॉट है ये शो करता है कि हमें गियर डालने की ज़रूरत है, यानी गाड़ी की स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, तो ये इसको शो करता है। और इसके नीचे वाला जो डॉट है ये शो करता है कि हमें गाड़ी के गियर उतारने की ज़रूरत है, यानी गाड़ी की स्पीड को कम करना है। तो दोस्तों, मैंने जो वार्निंग लाइट शो होती थी वो आपको समझाया उनका क्या मतलब होता है, जिससे कि आपको अपनी गाड़ी में समझने में इन चीज़ों को हेल्प मिले। तो धन्यवाद, वीडियो को शेयर करें। बस आपसे इतना ही कहूँगा।